लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने भारत को अपनी गायिका से हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाया। लेकिन भारत की इस कोकिला ने 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कई सारे गाने गाए। कुछ गाने उनके वास्तविक जीवन से रिलेटेड थे, कुछ रोमांटिक गाने थे तो कुछ बच्चों से भी संबंधित थे। लता मंगेशकर ने अपने करियर में लगभग सभी विषयों पर गाने गाए। कई भाषाओं पर पकड़ होने के कारण लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर ने एक भी गाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए नहीं गाया? क्या आपने कभी सोचा है कि सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने आखिर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया? ये सवाल आपके दिमाग में शायद ही आया होगा। अगर आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है तो चलिए आपको आज बता देते हैं कि लता मंगेशकर ने बाबा साहेब के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया था। दोस्तों, साल 2020 में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती थी, तब उनकी जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को याद किया था। उन्होंने उस पल को भी याद किया जब बाबा साहेब से लता मंगेशकर प्रत्यक्ष रूप से मिली थी। लता मंगेशकर की इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि लता मंगेशकर बाबा साहेब से मिल चुकी हैं। बाबा साहेब की 129वीं जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने बोला कि मैं भारत के महामानव, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रत्यक्ष रूप में मिल चुकी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। बताया जाता है कि लता मंगेशकर बाबा साहेब का बहुत सम्मान करती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि लता मंगेशकर बाबा साहेब से मिल चुकी थी और उनका इतना सम्मान भी करती थी, फिर ऐसा क्या कारण था कि लता मंगेशकर ने बाबा साहेब के लिए एक भी गाना नहीं गाया? अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो वामन दादा ने एक बार ये प्रयास किया था। वो चाहते थे कि लता मंगेशकर एक गाना बाबा साहेब के लिए ज़रूर गाए। इसके लिए वो उनके घर भी गए, उनके सामने ये प्रस्ताव भी रखा, लेकिन लता मंगेशकर ने इस प्रस्ताव को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लता मंगेशकर ने वामन दादा को भोजन भी करवाया पर उनका ध्यान उस प्रस्ताव पर नहीं गया और ना ही लता मंगेशकर ने उस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई। अगर थोड़ा गहराई में जाए तो इतिहास में एक और ऐसा इंसान था जो बाबा साहेब के लिए गाना गवाना चाहता था, लेकिन उस इंसान को भी निराश ही वापस आना पड़ा। जब लता मंगेशकर की ये बात लोगों को पता चली तो लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी देखी गई थी। यहाँ तक कि प्रसिद्ध कवि रविचंद्र हरिशंकर ने तो ये भी बोल दिया था कि आप केवल मूर्तियों के लिए ही गाने गाइए, आप इंसानों के लिए गाने मत गाइए। ऐसा बोलकर उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के ऊपर अपनी नाराजगी प्रकट की थी। कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर आज भी नहीं मिल पाया कि लता मंगेशकर ने बाबा साहेब के लिए गाना क्यों नहीं गाया। कुछ लोगों का कहना है कि लता मंगेशकर बाबा साहेब के लिए गाना गाना चाहती थी लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लता मंगेशकर ब्राह्मणवाद का शिकार थी और बाबा साहेब ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने बाबा साहेब के ऊपर कोई गाना नहीं गाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्या कारण हो सकता है लता मंगेशकर के बाबा साहेब के लिए गाना ना गाने का? आपको क्या लगता है, लता मंगेशकर को बाबा साहेब के लिए गाना गाना चाहिए था या नहीं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।